को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। जहां एक और पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना नहीं चाहते, वहीं दूसरी ओर मुंगेर जिला का एक सरकारी स्कूल आज अपनी पढ़ाई के अनूठे तरीके से चर्चा में है, जिस कारण इस विद्यालय में लोग अपने बच्चों के नामांकन के लिए ललायित रहते हैं। मुंगेर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर गंगा किनारे और पीर पहाड़ की तराई में बसा छोटा सा गाँव 83 में अवस्थित मध्य विद्यालय 83 देव टोला में पढ़ाई का तरीका ही कुछ अलग है। यहाँ के प्राइमरी सेक्शन के बच्चे नाचते गाते हुए पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे क्लास में बैठकर तो पढ़ते ही हैं, पर स्कूल परिसर के मैदान में गुनगुनाते धूप में अपनी शिक्षिका के साथ डांस मस्ती के साथ चीज़ों को सीखते भी हैं और उसे याद भी करते हैं। स्कूल टाइम में साउंड बॉक्स पे विभिन्न तरह के गानों के आधार पर बच्चों को हंसते खेलते डांस और मस्ती से शिक्षिका के द्वारा बच्चों को आसानी से चीज़ों को समझा बुझा कर याद करवाया जाता है। स्कूल की शिक्षिका रिंकी शर्मा ने बताया कि यहाँ बच्चों को एक्टिविटी आधारित शिक्षा दी जाती है, जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ बच्चों के साथ मिलकर की जाती है। देखिए, सरकारी विद्यालयों में बच्चों को जो है उबाऊ शिक्षा से बचने के लिए हम लोग को जो है FLN के तहत जो है चाहक गतिविधि कराया गया है। इसके तहत जो है हम लोग बच्चों को प्रत्येक दिन नए नए तरीके से बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे इससे जल्दी सीखते हैं और रुचि भी लेते हैं, और इसके कारण कि बच्चे विद्यालय में भी टिकते हैं। नहीं तो पहले जो है बच्चे बहाना बनाकर भाग जाया करते थे, लेकिन अब बच्चे जो है ये मतलब उनको रहता है कि हम जो है गाना पर नाचेंगे या तरह तरह की गतिविधि होगी, तो इसके लिए जो है वो रुके रहते हैं विद्यालय में। कितनों मतलब तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा देर बैठ के आराम करके फिर भी बैठे रहते हैं। बोलते नहीं है जाइए ना, घर चले जाओ, तो बोलेगा नहीं, हम थोड़ा सा जो है ना वो जो होगा ना खेल कूद वाला तो उसमें हम लोग भाग लेंगे, खेलेंगे। इससे बच्चे में संख्यात्मक ज्ञान का भी विकास हुआ है और पढ़ने के प्रति रुचि भी जगी है, बच्चों की संख्या भी बढ़ी होगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और बच्चे तो मतलब खेल कूद से ही ज्यादा सीखते हैं, पढ़ाई किताबों से तो उनको बोझा लगता है और खेल कूद से ही वो ज्यादा सीखते हैं। अभी अभी जो ये क्राइम कराया गया, किस क्लास के बच्चे हैं ये? पहला दूसरा है, पहला और दूसरा क्लास का बच्चा का। इस गतिविधि को पहले धीरे धीरे करवा रहे थे कुछ बच्चे थे, धीरे धीरे देखे नहीं सभी बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व होने लग गए कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। यहाँ तक कि ये पहला दूसरा तीसरा का ही है, लेकिन चौथा पांचवा का बच्चा भी जो है ना कभी कभी इसमें इन्वॉल्व होने के लिए उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है कि हम भी इसमें जो है खेलेंगे, करेंगे, सीखेंगे। तो मूलतः ये 1 से लेकर 3 तक के लिए ही है ये ट्रेनिंग। मेरा नाम रिंकी शर्मा हुआ। किस स्कूल से है? मैं मध्य विद्यालय 83 देवा टोला मुफसिल मुंगेर से हूँ, मैं सहायक शिक्षिका हूँ। थैंक यू। जिससे बहुत सी चीजों को सीखने में बच्चों को आसानी होती है। इस विद्यालय ने प्राथमिक और माध्यमिक क्लास में गतिविधि आधारित शिक्षा को अपना लिया है। इसमें हाथों के इशारे, नृत्य कला और चीज़ों को पहचान कर समझाया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के इस तरीके के वजह से ही आज सरकारी स्कूल में संसाधनों के अभाव के बावजूद भी बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। इस तरह की पढ़ाई से
शिक्षकों के साथ साथ बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुबोध कुमार ने बताया कि यहाँ की शिक्षिका BTS कोर्स की ट्रेनिंग लेकर आई हैं, जहाँ उन्हें यह सिखाया गया है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। अब प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल भी बच्चों में शिक्षा की जीत जगाने के लिए काफी मुस्तैद दिख रहा है। इस विद्यालय की पढ़ाई का अनोखा ढंग जिसने बच्चों को खुशियां देकर विद्यालय आने को मजबूर कर दिया है। अच्छा, इस तरह से पढ़ने में मन लगता है? हाँ सर। है? हाँ सर। दीदी जी कैसे पढ़ाते हैं आप लोग को, अच्छे तरीके से? हाँ सर। किस तरह से बजा धुन पे रोज पढ़ाते हैं? अच्छा, कैसा लगता है आपको, मजा आता है? अच्छा आता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? अच्छा, तो रोज स्कूल आने सबको पसंद लगता है? हम रोज आते हैं सर। अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू? राखी कुमारी। अच्छा, एक पोएम सुनाओ तो कोई इंग्लिश में, हिंदी में। अभी कौन पोएम बोला था? तेरी मोरली को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खाके पीके मोटे होके चोर बैठा रेल में, चोरों वाला डब्बा कटके सीधा पहुंचा जेल में, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने, अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। कुछ दिन पूर्व ही मुंगेर DM के प्रयास से 22 कचरा चुनने वाले बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया गया और अब इस विद्यालय में पढ़ाई के इस नए तरीके ने बच्चों के दिल में पढ़ाई के लिए एक अलग ही जगह बना ली है। यहाँ ना बच्चे शनिवार को नो बैग डे मनाते हैं, इस दिन कंधों के यहाँ बच्चे शनिवार को नो बैग डे मनाते हैं इस दिन कंधों पर बैग का बोझ लिए नहीं आते, बल्कि उस दिन पूरे दिन विभिन्न तरह के एक्टिविटी कर पढ़ाई करते हैं, जिससे इस स्कूल में जाने की जिद भी करते हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें इस तरह से पढ़ना काफ़ी पसंद है और वे हर रोज स्कूल आना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना। आप लोगों ने जो देखा ये चहक कार्यक्रम के अंतर्गत है। इनमें बच्चों को गतिविधि के करते हुए बच्चों पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं हो, यानी वे खुले विचार से शिक्षा को ग्रहण करें, उन्हीं के अंतर्गत हम लोग FLN के तहत संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान का जो है 1 से 5 तक के बच्चों को गतिविधि के माध्यम से सिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब लोग विद्यालय में बच्चों की संख्या और बच्चों का रुझान भी बड़ा होगा। हाँ जी हाँ, पहले क्या थी संख्या और अब क्या है देखने को? पहले एवरेज था, जैसे मान लीजिए कि 55%, तो अभी 70% जो है बच्चे की उपस्थिति चल रही है। मेरा नाम सुबोध कुमार आजाद, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय 83 देवाटोला। पिताजी का नाम है फुतुर। माताजी का नाम? माताजी का नाम है लादा देवी। बहुत अच्छा, किस क्लास के हो? तृतीय क्लास। बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजा दो। चलो अब फिर से कौन सा गांव है, कौन गांव में रहती है?
सीताकुंड मेला में हरा जाएगी, पूछेगा कौन गांव से आई है तो क्या बताएगी, कहाँ पहुँचाएगा तुमको बता, पेरासी पीर पहाड़।